Guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. Today we're going to do Aunt Jennifer Tyler. Admit rich poetry. आपने कहा सर इस poetry को करने का तरीका क्या है? And what are the basic ones that we need to keep in mind while dealing with this particular poetry? Poetry seriously किसी poet के बारे में define करते हैं. It do tell you about poet mentality. सर आपने कहा mentality. What does mean by this? पहले लेंगे. This is some inner feeling of the poet why the poet was writing that particular text. जिसको आप poetry बोलते हो तो यहाँ बात करते हैं आज Jennifer Tyler. Yes, we have go through and when it's different poetry आप बोलते हो जिसके अंदर इंसान snapshot डॉट है लॉब वही ना कहेंगे society को define करती हैं जहाँ patriarchal society male dominant society को define किया feminism को highlight किया गया and the concept must be clear to you कि यार ये हर step में कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स कुछ फ्लैशबैक्स लेके आती है हेयर कार्ड ऑफ पोएट्री आन जेनिफर टाइगर ट्रांस अक्रॉस द स्क्रीन बाय टॉपिस डेंजल अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन व्हाट इज ऑल अबाउट दिस इज आन जेनिफर यस इज ऑल अबाउट आन जेनिफर बट इट्स ऑल अबाउट टाइगर ट्रांस अक्रॉस द स्क्रीन टाइगर टाइम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बी इट जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो शेर को रोकना सीरियसली बहुत मुश्किल है कि वो अपनी मर्जी से जहां भी जंप कर Bright topaz dances the world of green. They do not fear the man in the tree. Yes, tiger do not fear the man. It's cold, doesn't it? आप लोग डर रहे हो. Seriously, आप लोग डर रहे हो. क्या ना देख पेस इन स्लीप चैबिक सर्टनी. This चैबिक सर्टनी. अगर आप बोलते हो सर इस पॉइंट में चैबिक सर्टनी का वैसे मीनिंग आप तो मैं बताऊंगा कि किस तरह हाइलाइट था ग्लिम्स टाइगर. टाइगर इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल टू सी अ टाइगर. Tempted, देख के आप लगते हाँ देखना चाहिए सीरीज़ उसकी फिगर उसकी अपीयरेंस एक एक चीज को हाईलाइट करो फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपको द ब्राइटर साइड ऑफ टाइगर डिफाइन करता है तो ब्राइटर साइड ऑफ टाइगर जब आन जेनिफर उसे क्या कर रही है उसे स्किल कर रही है अपने उस कैरेक्टर जिसको बना रही है ना उसके ऊपर उसको डिफाइन किया है शी वाज मेकिंग अ टाइगर ओवर देयर सेल्फ पोएट्री का टाइगर से क्या लेना है ऑनेस्टली फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ही अलग है क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं किया आन जेनिफर क्या लेना है टाइगर से नाउ यू गेट टू नो इन द सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट आन जेनिफर टाइगर ट्रांस अक्रॉस द स्क्रीन राइट टॉप इज वर्ल्ड टेनिस ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फील द मैन बैन द ट्री द पेस इन स्लीप चैम सर्टनली जाम टू नेक्स्ट पैराग्राफ दिस इज द मोस्ट मोर वन आन जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू फूड फाइंड इवन अ आर्मी इन द हार्ट टू पुल फाइंड इवन अ आर्मी इन द हार्ट टू पुल What it says, Aunt Jennifer fingers fluttering through her wound, find even the ivory needle hard to pull. Is she working on her wound? मैंने जैसे बताया first में वो उसको design करी tiger, but seriously वो उस wound में ना needle है needle भी तो swing जो use करते ladies करते हैं उसके लिए वो भी मुश्किल है. Reason? The Macedo uncle's wedding band sits heavily on Aunt Jennifer. अंकल से शादी करने वाला ना उस सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे के सारे काम सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप बोलते हो या जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो आन जेनिफर के हैंड पे आते तो उसका वेट इतना हो चुका था शी वाज अनेबल टू पास दैट नीडल एंड दैट वेट इज ऑन हर हैंड नाउ सिट्स हेवीली अपॉन आन जेनिफर पूरा पूरा उसके हाथ पे आता देन When aunt is dead, this is something more. Look, when aunt, sir, Jennifer, 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 but now there's no Jennifer. When aunt is dead, her terrified hand will lie. Still ring a door she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. It does say that she was not proud, she was afraid. She was not moving from one place to another. With her own wish, no, she is not able to do this. And यहाँ उस concept को पूरा define किया गया, and that is the major part of this particular poetry. So somehow एक patriarchy society define करती, जैसे woman शादी के बाद अपनी सारी identity खोज गई होती, उसके ऊपर सारे के सारे family pressure from the uncle's side, उसके ऊपर आ चुके थे. She was unable to do what she want to, what she like to, वो काम नहीं कर पाती. उन सबको हाईलाइट किया तो आप बोलते ना आन जेनिफर टाइगर यस इट्स अ मास्टरपीस जो कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी को पोर्ट्रेट कर दी रिपोर्टेड कर दी कि आने वाला कल शायद ऐसा होगा कि वुमेन एक ऐसे सोसाइटी में बिलीव करेगी जहां वो जो चाहेगी वो उसका होगा
जैसा हो जाएगी वैसा हो कर पाएगी। सो दिस इज जस्ट द होप फ्रॉम एडमिन रिच पोएट्री द आंजन में टाइगर। आई होप इट्स बीन क्लियर गाइस।